कक्षा 6, 7 और 5 के लिए 5x1 मीटर का एक बेड बना रहे हैं, और उस बेड में पहले वाले में हम बच्चों को अच्छे से बेड तैयार करवा के और उसमें पालक लगवाएंगे, दूसरे वाले में मेथी लगवाएंगे और तीसरे वाले में धनिया लगाएंगे। और बच्चों का जो उत्साह है ना, जब उनको ये पूरा आइडिया शेयर किया गया और बताया गया कि भाई आपको ये पालक तैयार करना है 5x1 के बेड में, तो वो टूट पड़े और उन्होंने एक 30 मिनट के पीरियड में इसको अच्छे से तैयार कर दिया। और अभी उनको इंतज़ार इस बात का है कि कब हम उनको बीज ला के दें, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये 3 क्लास के बच्चों को हम ये बेड जिसमें पालक मेथी और धनिया लगवा रहे हैं, तो इससे क्या है कि बच्चों को जो जब हम उनको इस तरह का काम देते हैं तो उनका जो एंगेजमेंट होता है और उनको करने का जो उत्साह होता है उतना लगता है कि वो पूरी एनर्जी उसमें झोंकना चाहते हैं। और फिर रोज़ सुबह बैग रखने से पहले यहाँ आएंगे। गए साल जब हमने ये अलॉट किए थे, ये कक्षा 6 के बच्चों का था, उधर सारी क्लास के बच्चों को ये पूरा चारों तरफ अलॉट कर दिया, तो बैग रखने से पहले यहाँ आते थे और कोई पाइप लगा के यहाँ पानी दे रहा है, कोई बाल्टी भर के दे रहा है, कोई उसमें खुदाई कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस बार हम थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, पिछली बार तो थोड़ा यूँ ही पानी दे दो सफाई कर लो, इस बार उसको उत्पादन से जोड़ रहे हैं कि पालक जो पैदा होगा कितना पालक पैदा हुआ उसको तोलेंगे और अपने मैस में दें उसको देंगे, थोड़ा हिसाब भी रखेंगे कितने एरिए में कितना पालक पैदा हुआ, और अगर उसका हिसाब रखेंगे तो अगर मार्केट से लाते हैं तो उसकी कितनी कीमत हुई, तो वो सारा जो हिसाब रखने का और मेहनत में जो जो हम समय लगा रहे हैं उसको भी थोड़ा आकलन करने का, तो फिर प्रॉफिट और जो उसमें दिखता है ना वो सारी उसको भी देखेंगे। और इससे ये पता लगेगा कि भाई किसान मेहनत करता है, उसकी मेहनत का की जो वैल्यू है वो कितनी है, उसको पूरा अपनी मेहनत का पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, कई बार नुकसान भी होता है, तो उन सारी चीज़ों पे हम इस जरिए बात करेंगे। तो एक तरह का एक लगाव और श्रम के प्रति जो बच्चों में एक भाव पैदा होगा वो उनको काम की तरफ ले जाएगा। तो ये सीधा सीधा गणित से भी जुड़ेगा, काम से भी जुड़ेगा, कैसे पूरा समाज इस पूरी प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है। और अभी जो खेती का जो खेती के प्रति जो लोगों का नज़रिया है उसे बेरुखी है, उसकी तरफ हम बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो काम को ऐसे नहीं देखें कि काम का मतलब अनपढ़ लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ ऑफिसों में बैठते हैं, तो सब लोग काम सब लोगों को काम करना चाहिए और इस काम की वर्थ क्या है।